बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खुशी के साथ होंगे। आज का व्लॉग कर लेते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमारा प्यारा बैल आपको पता है कि हमने लिया है कुर्बानी के लिए, और आज हम एक और बैल लेने जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। सबसे पहले चलते हैं नानी अम्मी जी के घर, वहाँ से मामू जी को लेते हैं साथ में, सौदागर और मामू दिलावर भी आया हुआ है, उन्हें भी साथ लेते हैं और फिर चलते हैं हम मंडी। चलो फिर चलते हैं मंडी, मंडी चल के देखते हैं कि हमें कौन सा बैल पसंद आता है, कौन सा हम लेके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आगे बाहर, आज हम मंडी में जाएंगे गाड़ी पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफर आज का हमारा हो चुका है शुरू। एसी चल रहा है, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, सुकून हो रहा है मुझे। मैं तो पीछे आराम से सोने लगा हूँ। मामू जी मेरा तो तिलक रहना है, मैं ये खोल दूंगा स्कूल नहीं देना। मामू जी आप जाए मंडी, गाड़ी पार्किंग में लगाए, जानवर खरीदे, वापिस आके घर ले जाए, मुझे नहीं उठाना, मैं सोने लगा। भाई तू सो जा, असी तेरे घर उठाना, तू सानू बाजा मार दिया। अच्छा अच्छा भाई मेनू बाहर कढ़ो। यार गाड़ी बाहर से लॉक होती है तो नहीं खुलती, अंदर से तो खुल जाती है ना। अंदर तो खोल के तो वापस लॉक नहीं करनी। इनके साथ ही जाऊंगा घूम फिर के मंडी, आपको मंडी का फुल बटा फुल विजिट करवाऊंगा, और उसके अलावा फिर देखते हैं कि आज कौन सा जानवर पसंद आता है। सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह ताला खैरियत करे और हमें अच्छा और प्यारा जानवर मिले। और अब हम आ गए फोटो बस रोड पे, अब बस कुछ सेकंड की बात है हम पहुंचने वाले हैं मंडी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मंडी के करीब हम पहुंच गए, और बाहर रोड पे चेक करें जी कितनी रौनक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो बकरे हैं। हम जाएंगे आगे मंडी में क्योंकि हमने लेना है बैल। माल मंडी के बाहर हम आ गए हैं, सबसे पहले हमने साइड पे लगाई है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को रोड से थोड़ा सा दूर खड़ा कराएंगे ना, तो क्रैश वगैरह लगने से ना बचत हो जाएगी। अब इसे यहाँ पे पार्किंग पे लगा के अब चलते हैं आगे मंडी में, और मंडी का विजिट कराते हैं और दिखाते हैं आपको बड़े बैल जानवर मिलते हैं कि नहीं। जब हम आए थे पिछली दफा बैल लेने के लिए तो सिर्फ दो चार बड़े बैल थे, बाकी इसके अलावा बकरे छतरे और दुम्बे थे, बड़े बैल नहीं थे, जानवर नहीं थे बड़े। और इस दफा देखते हैं, देख के तो लग रहा है यहाँ से, क्योंकि मैंने एक दो देखे बैल मुझे नजर आए हैं, तो लग रहा है कि ऊपर से ईद के दिन भी नजदीक आ रहे हैं कि बैल होंगे यहाँ पे। और बैल लेने आए मामू दिलावर, क्योंकि हमने तो ले लिया था, तो मामू जी की कॉल आई थी कि चलो यार मेरे साथ चलो, तुम जानते हो रेड शेड का, दो चार दफा तुम गए हो तो साथ चलो, मिलजुल के ना एक तो हंसी मजाक हो जाएगी और ऊपर से बैल भी ले लेंगे। हाँ जी भाई चले फिर, चले भाई आ जाओ। जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आ रहे हैं तो मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह रश बढ़ता जा रहा है, और अब हम घूमते घुमाते मंडी की बैक साइड पे आ गए हैं जहाँ पे बड़े जानवर है, आपको वो दिखाते हैं और मामू जी को साथ लेके देखते हैं उन्हें कौन सा पसंद आता है। और ये चेक करें, ये बंदे में ये बछड़ी है, ये भी बैल है, और इधर भी बैल है, और इधर चेक करें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा बकरा है। चले भाई से पूछते हैं चल के कि क्या रेट शेड है। पहले भाई बात सुनना यार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, क्या रेट है इसका? 120। मामू जी चेक करें बकरा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, 120 बता रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत ही खिदमत की हुई है उसकी, बहुत प्यारा और अच्छा। गर्मी की वजह से देख की लात है। ले लो बकरे ही ले लो। नहीं नहीं बकरा नहीं लेना, बैल ही लेना। चल आ जा फिर इस साइड को घूमते घूमते बाहर चले जाते हैं। मैं उस दिन मंडी आया था तो मेरी उस दिन भी यही जिद थी कि बकरा ले ले, बकरा ले ले, अब्बू और मामू जी कह रहे थे कि बैल लेना, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि बकरा ले लो, मामू जी कह रहे कि बैल ही लेना। चले इनकी किस्मत अब देखते हैं कि मिलता है कि नहीं, जो दो तीन मिले थे वो मामू जी को पसंद नहीं आए। मुझे तो लग रही थी गर्मी, और भाई मैं अब आ गया हूँ ऊपर, ये मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है इसके ऊपर, और ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही है, और अब आपको यहाँ से ना पूरी मंडी दिखाता हूँ। ये चेक करें, अब चेक करें माशाल्लाह फुल बटा फुल पूरी की पूरी मंडी नजर आ रही है। और चलो अब चलता हूँ नीचे, क्योंकि मामू और दोनों नीचे घूम रहे हैं, मैंने उन्हें बताया भी नहीं, ऊपर आ गया हूँ तो ये ना के बाद में उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए, काफी ज्यादा रश है इसीलिए। अब जल्दी जल्दी चलता हूँ वापस।
चले जी, जहाँ पे छोड़ के गया था यहाँ छोड़ के गया था यहाँ, तो अब मुझे नजर नहीं आ रहे। ऐसे अब घूमता हूँ थोड़ी देर, जलील होता हूँ, फिर उन्हें ढूंढ लेता हूँ। और ढूंढते ढूंढते जी इन्हें मैं आ गई। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बकरे हैं और मामू दोनों इधर ही घूम रहे हैं। माशाल्लाह जी चेक करें कितना प्यारा भेड़ू है, भेड़ू का बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। अब जा रहे हैं हम आपकी गाड़ी के पास, दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, गर्मी से बुरा हाल हुआ है। और इधर मंडी में तो हर तरफ गन्ने का ताजा रस, फालसे का शरबत, कुल्फियाँ, रेडियो वाले लगे हुए स्पीकर चलाए और ट्रैफिक जाम हो गई है। और ये चेक करें जी इधर रोड ब्लॉक हो रहा है। और इधर चेक करें जी हमारी तरह और लोग भी गाड़ियों में ना जानवर लेने के लिए आए हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी स्लीक है और हमारे वाली तो वो सामने खड़ी है। और इधर मुझे एक और बड़ा बकरा नजर आया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। इसका रेट शेट पूछते हैं, मंडी में तो पूछे नहीं गया क्योंकि वो स्पीकरों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम फिर भाई, क्या रेट है इसका यार, क्या मांग रहे हैं इसका? सही हो गया। और इसका 75,000 सही हो गया। तेज तेज हवा चल रही है लेकिन ये रेगिस्तानी इलाका है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, फिर भी हवा भी गर्म आ रही है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास गर्मी का हल है, हमारी प्यारी शहजादी गाड़ी भूल गई यार इसे। जल्दी जल्दी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं और इंजॉय करते हैं, गर्मी दूर दूर नजर नहीं आएगी। और ये चेक करें जी सारा का सारा फुल बटा फुल रेगिस्तानी इलाका है। मोहम्मद दिलावर तो अभी बाहर ही है क्योंकि उसका दोस्त आ गया, वो उनसे बातें कर रहे हैं। मामू सदागर ने गाड़ी में बैठ के गाड़ी का एसी कर दिया ऑन। मामू यार थैंक्स यार। और अब हल्की हल्की सी ना हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, मजा आना शुरू हो गया। गर्मी जो है ना भाग रही है आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ। रश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन हम जा रहे हैं वापस। जाना था घर लेकिन हम आ गए शहर क्योंकि मामू सदागर की तरफ से पार्टी है, ट्रीट है हमें। मामू दिलावर को कह रहे थे कि चलो भाई तुम बड़े भाई हो, क्या याद करोगे कि तुम्हें मैं ना आज आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो मैंने सोचा कि मामू के बहाने मुझे भी मिल जाएगी साथ में, तो चलो चलते खा पी के मौज उड़ाते। माशाल्लाह जी चेक करे प्यारे प्यारे ऊंट। मामू जी मैं तो कह रहा हूँ ऊंट ही ले लो, ऊंट ही ले लो, निकलो बाहर है यार। मामू गाड़ी खड़ी करो, ऊंट लेना कुर्बानी के लिए। मामू चलो फिर, गाड़ी क्यों रोकी यार जब आपको पता था? मेनू पता नहीं, पर मैं चली लाख हां जी अच्छा ही सही, अच्छा ही सही। और मामू जी ढूंढ रहे हैं हमारे वाली बातें। हम तो फिर लकी बंदे हैं, अल्लाह का शुक्र है, किस्मत बहुत तेज है। वो बच्चा था, बछड़ा था, बैल था, और उसका 1,10,000 मांग रहे थे और हमने 1,20,000 का लिया, बड़ा बैल। माशाल्लाह हमारी किस्मत, अल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही ना कहीं से जुगाड़ लगा दे, आपको अच्छा और प्यारा बड़ा बैल मिल जाए सस्ते रेट में इंशाल्लाह। शहर हम आए थे मामू मुस्तागर की तरफ से कुल्फा खाने, पार्टी करने, तो भाई प्लान हो गया था कैंसिल। कल मामू जी आए थे यहाँ पे शहर पिज्जा खाने, तो जाते वक्त ना वापसी पे कोने खा के गए थे, तो वो काफी मजेदार थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी पहले एक दो दफा खाई, वाकई मजेदार थी। तो अब गए हैं तो भाई जान वो कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, तो प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि साथ मामी जी भी है, वो शहर आई हुई थी अपने घर, तो उन्हें भी लेके जाना था वापसी। तो अब ना फिर कभी सही खाने का प्रोग्राम होगा, आज कैंसिल कर दिया।